हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने किया था पोरिफेरा का के जनरल कैरेक्टर्स और अब हम कंटिन्यू करते हैं उसके क्लासिफिकेशन। जो पोरिफेरा फाइलम है ये तीन मेन क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लास वन कैल्केरिया, क्लास टू एग्जैक्टिनेलिडा एंड क्लास थ्री डेमोस्पॉन्जी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है, ये जो इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है इनमें प्रेजेंट स्केलेटन। स्केलेटन किस प्रकार का है, और मैं आपको याद दिला दूं, जैसे हमने पहले पढ़ा है, स्केलेटन इसमें दो प्रकार का पाया जाता है, या तो स्पिक्यूल्स का या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ। जो स्पिक्यूल्स हैं वो फिर दो तरीके के पाए जाते हैं, या तो कैलकेरियस होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, या फिर सिलिशियस होंगे सिलिका के बने हुए। और स्पॉन्जिन फाइबर्स जैसे आपको पता है वो बने हुए होते हैं प्रोटीन के। तो अब आइए अपन एक एक करके इन तीनों क्लासों के जनरल कैरेक्टर्स ले लेते हैं और उसके बाद उनके देखते हैं उनमें कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट हैं, यानी उनके एग्जांपल्स। जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आप जो एग्जांपल्स आपको पहले कहे सुने हुए हैं, आप जिनसे फेमिलियर हो, वो मैंने लेने की कोशिश करी है। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन सारे मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि आप ना तो उनको याद कर पाएंगे, तो आप जिनसे फेमिलियर हैं थोड़े बहुत वो मैंने लिए। इनमें भी जिनके डायग्राम्स मेरे को मिल गए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और जिनके नहीं मिले हैं उनके तो फिर मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो ये जो डायग्राम्स हैं ये भी आप इनमें देख लें, कौन सी क्लास में कौन सा एनिमल है और वो किस प्रकार का दिखता है। तो आइए लेते हैं एक एक करके क्लास। क्लास वन कैल्केरिया। अब जैसा इसके नाम से सुनाई दे रहा है कैल्केरिया, तो इनमें ये कैल्केरियस वर्ड से बना है ये कैल्केरिया। कैल्केरियस वर्ड कोई ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है लाइमी, यानी लाइम से बना हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट ये एक तरह का लाइम कहलाया जाता है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स ये कुछ एनिमल्स में हैं तो वो आएंगे क्लास कैल्केरिया में। इनके कैरेक्टर्स हैं, अब देखिए, पहला ये बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। जो मैक्सिमम साइज़ होता है इनके इन स्पॉन्जेस में, मतलब जो स्पॉन्जेस हैं वो बहुत छोटे, एक सेंटीमीटर या लेस देन वन सेंटीमीटर या दो सेंटीमीटर, पाँच सेंटीमीटर, मैक्सिमम जो इनकी हाइट होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा कैल्केरिया स्पॉन्ज होगा वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। और ये सॉलिटरी होते हैं या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इनका बॉडी शेप सिलेंड्रिकल है या वास शेप है, मतलब ये जो स्पॉन्जेस हैं ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं और वास शेप भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको शेप्स ड्रॉ करके बताई थी, अगर आपको याद हो जनरल कैरेक्टर्स में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये उस प्रकार की शेप के होते हैं। और जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तब आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, स्केलेटन जो है वो कैल्केरियस स्पिक्यूल से बना हुआ है, ये तो अपना डिटेल में हो ही गई है बात। और ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये 1, 3 या 4 रेड हो सकते हैं। जो स्पिक्यूल जो है, अगर एक सिंगल नॉक उसमें प्रेजेंट है तो वो 1 रेड कहलाती है, और अगर उसमें 3 नॉके प्रेजेंट है तो वो 3 रेड कहलाती है, और अगर उसमें 4 नॉके प्रेजेंट हैं तो वो 4 रेड कहलाती है। तो स्केलेटन इनका 1, 3 और 4 रेड कैल्केरियस स्पिक्यूल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्कोनॉइड भी हो सकता है, साइकोनॉइड भी हो सकता है और ल्यूकोनॉइड भी हो सकता है। मतलब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ ऑफ एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड टाइप। अब आप समझ रहे, सोच रहे होंगे क्या बोला है एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एनिमल्स हैं इनमें वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जनरल कैरेक्टर्स में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, ये डिटेल में हम करेंगे इन इस क्लासिफिकेशन के बाद। हालांकि ये आपका सिलेबस में इस यूनिट के साथ नहीं है, ये बाद में आएगा आपका, शायद लास्ट यूनिट में ये है टॉपिक, लेकिन क्योंकि अभी अपन ये स्पॉन्जेस कर रहे हैं, पोरिफेरा कर रहे हैं, तो मैं आपको कंटिन्यूसली इसमें इसका कैनाल सिस्टम को आपको समझा दूंगी। तो नेक्स्ट जो लेसन होगा अपना वो होगा कैनाल सिस्टम पे, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड क्या चीज़ है। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये एक्सक्लूसिवली मरीन हैं,
जनरल कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि ये मरीन भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, मतलब मेनली ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये मरीन होते हैं, ज़्यादातर मरीन होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। तो इसमें आप ये जान लें कि जो कैल्केरिया क्लास के एनिमल्स हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, अगर कोई फ्रेश वाटर में पाया जाएगा तो वो कैल्केरिया का सदस्य नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स हैं इसके ल्यूकोसोलेनिया, डायग्राम आप देख सकते हैं, स्काइफा, इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं। दो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, इनके डायग्राम मेरे पास नहीं है, ये हैं क्लाथरीना और ग्रांशिया। तो आप चाहें तो जो केवल डायग्राम्स हैं वही एनिमल्स आप एग्जाम्पल के तौर पे याद कर सकते हैं, और अगर ये दूसरे वाले बिना डायग्राम वाले भी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लास टू हेक्साटिनिडा। अब ये जूलॉजी का ये एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन का ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर जो नाम है वो आपको बता देता है कि जो एनिमल है वो उसमें क्या पाया जाएगा या आपको क्या देखना है या किस आधार पर उसका नाम रखा गया है। तो नाम से ही हमें आइडिया लग जाता है कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। जैसे अब क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, तो हेक्साटिनिडा से हमें पता चल रहा है कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेज, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स जिन एनिमल्स में मिलेंगे वो ही हेक्साटिनिडा में रखे जाएंगे, और इस नाम का मीनिंग फिर हमें आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा किस प्रकार के एनिमल्स इसमें होंगे या किस प्रकार का स्केलेटन जिन एनिमल्स में होगा वो इस क्लास में आएंगे। तो नाम में आप देखिए, मैंने ब्रैकेट में इसको एक्सप्लेन किया है, ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं, हेक्स, एक्टिन और आइडिया, ये सारे ग्रीक नाम हैं और इनको मिला के बनाया हेक्स एक्टिनिडा, ठीक है। तो हेक्स का मतलब होता है सिक्स, एक्टिन का मतलब होता है रे, और रीडिया का मतलब होता है, ये होता है एक टर्मिनल सफिक्स, नाम को कंप्लीट बनाने के लिए ये सफिक्स लगा दिया है, सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है, ठीक है। तो ये बन गया अपना नाम हेक्साटिनिडा, जिसका मतलब है कि ऐसे एनिमल जिनमें सिक्स रेड स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हों, ठीक। तो अब आ जाइए इसको देखते हैं भाई क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इस क्लास के एनिमल्स के। फर्स्ट कैरेक्टर, ये मॉडरेट साइज़ के होते हैं, पहली जो क्लास थी कैल्केरिया उसमें तो स्मॉल साइज़ थे, अब ये मॉडरेट साइज़ हैं, वेरी इजी, साइज़ धीरे 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 बढ़ रहा है, पहले मॉडरेट स्मॉल थे अब मॉडरेट साइज़ पे आ गए अपन। तो मॉडरेट साइज्ड ग्लास स्पॉन्जेस कहलाते हैं ये। अभी ग्लास स्पॉन्जेस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो स्केलेटन है वो सिलिशियस स्पिक्यूल से बना हुआ है, जो इनके स्पिक्यूल्स हैं वो सिलिका के बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए नहीं होते, सिलिका के बने हुए होते हैं, तो इसलिए इनको ग्लास स्पंजेस, ग्लास आपको पता है ग्लास में भी बहुत मेजर पार्ट सिलिका का होता है, सिलिका से बना हुआ होता है ग्लास, तो इसलिए इनको बोलते हैं ग्लास स्पंजेस। और जैसा हम ये फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं कि ये मॉडरेट साइज के होते हैं, तो इनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर तक जा सकती है मैक्सिमम, मैक्सिमम उससे छोटे 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक जो भी स्पंजेस जो भी हाइट के स्पंजेस होते हैं वो इस क्लास में आएंगे हेक्साटिनिडा। सेकंड, इनकी बॉडी शेप कप लाइक भी हो सकती है, अर्न लाइक भी हो सकती है और वास लाइक भी हो सकती है। अर्न मतलब मटकी, वास मतलब आप जानते ही हो जैसे स्काइफा है वास शेप, फूलदान जो होता है, और कप भी आप जानते हो कप जो जिसमें हम चाय पीते हैं, तो ये 3 शेप्स के ये हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इनका जो स्केलेटन है वो 6 रेड ट्राई एग्जॉन सिलिशियस स्पिक्यूल से बनता है। ट्राई एग्जॉन मतलब इसमें 3 एक्सेस हैं, तो एक एक्सेस के 2 नोक, तो इस तरह से ये जो स्पिक्यूल है इसमें 3 एक्सेस पे रेस प्रेजेंट होती हैं, और उनके दोनों दोनों एजेस अगर मिलाएं अपन तो ये हो जाती हैं 6 रेड। तो ट्राई एग्जॉन को 3 एक्सेस को एक साथ जोड़ें तो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो अपने को 6 नज़र, दोनों हर रे का 2 पॉइंट, तो इस तरह से ये बन जाते हैं 6 रेड। तो ये जो सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं जो ट्राई एग्जॉन टाइप के होते हैं इनमें 6 रे पाई जाती हैं, ये बनाते हैं हेक्साटिनिडा क्लास के एनिमल्स का स्केलेटन। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इसमें डर्मल एपिथीलियम या एक्जोपिनाकुलम प्रेजेंट नहीं होता है।
अब कुछ ऐसा इसका शेप होता है कि कुछ ऐसा इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि इसको इसमें ये एक्सोपेनाकोडम प्रेजेंट नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें जो क्वेनोसाइट्स हैं ये सिर्फ इसकी इसमें कुछ फिंगर शेप चेम्बर्स होते हैं सिर्फ उनमें प्रेजेंट हो गए, मतलब जो मेन बॉडी पूरा स्पॉन्जो सील है उसमें प्रेजेंट ना होके केवल इसमें कुछ फिंगर शेप चेम्बर्स बनते हैं इन एनिमल्स में, उनमें ही केवल क्वेनोसाइट्स पाए जाते हैं। ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, और जो मरीन भी होके मरीन में भी कई फॉर्म्स हैं। मरीन का जो आपने अगर स्ट्रेटिफिकेशन देखा होगा तो जो समुद्र है वो तो काफ़ी डीप होता है, तो डेप्थ के हिसाब से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं कि कुछ तो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ सरफेस से थोड़ा नीचे प्रेजेंट होते हैं, फिर कुछ लाइट जहाँ तक जाती है वहाँ प्रेजेंट होता है, फिर कुछ बहुत ज़्यादा डीप सी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्पॉन्जेस हैं ये बहुत डीप सी में, ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं एग्जैक्ट इन नोएडा के वो डीप सी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यूप्लेक्टेला, डायग्राम आप देख सकते हैं, वैसे यूप्लेक्टेला का तो आपने पहले भी देखा होगा, और ये वीनस फ्लावर बास्केट कहलाती है, और ये इसलिए भी फेमस है कि जापान में ये जब शादी होती है किसी की तो उसको उनको गिफ्ट में, इतनी सुंदर होता है ये एनिमल, इतना सुंदर स्पॉन्ज होता है ये, तो जब ये एनिमल मर जाता है तो इसका स्केलेटन जो होता है वो वैसा ही बना रहता है, तो वो स्केलेटन जो होता है वो गिफ्ट में दिया जाता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइलोनीमा, इसका भी डायग्राम आप देख सकते हैं। लास्ट में आती है इसकी क्लास डेमोस्पॉन्जी, क्लास थ्री डेमोस्पॉन्जी, और जैसा आप देख रहे हैं कि नाम, पहले अपन नाम का डिस्क्रिप्शन देख लें डेमोस्पॉन्जी का क्या मतलब होता है, तो अपने को पता चल जाएगा कि अपने को ये एनिमल्स में क्या देखने को मिलेगा। डेमोस का मतलब होता है फ्रेम, और स्पॉन्जोस का मतलब होता है स्पॉन्ज, तो इन दोनों को मिला के डेमोस स्पॉन्जोस से मिलके बना है डेमो स्पॉन्जी। तो ये जो स्पॉन्जेस हैं ये फ्रेम स्पॉन्जेस कहलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये स्मॉल टू लार्ज साइज हो सकते हैं, देखिए वो कैलकेरिया थे स्मॉल साइज, एग्जैक्टिनेरिडा थे लार्ज साइज, ये दोनों हो सकते हैं, स्मॉल साइज भी हो सकते हैं और लार्ज साइज भी हो सकते हैं। ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनी बना के रहते हैं बहुत सारे मेंबर्स एक साथ बहुत कम स्पेस में एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं वो कहलाते हैं कॉलोनियल। सेकंड पॉइंट, बॉडी इनका वास लाइक होता है, वास लाइक, कप लाइक या कुशन लाइक। थर्ड, इनका जो स्केलेटन है ये सिलिशियस स्पिक्यूल से बना है या तो, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बना है, या फिर दोनों से भी बना हुआ हो सकता है, या दोनों ही टाइप के स्केलेटन ना प्रेजेंट हो ऐसा भी हो सकता है। तो इनके मेन पॉइंट जो हमको याद रखना है वो क्या है कि इनका जो स्केलेटन बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स से। तो एक तरह से अपना सीक्वेंस है कि कैलकेरियस स्पिक्यूल, सिलिशियस स्पिक्यूल, स्पॉन्जिन फाइबर्स, जो फर्स्ट क्लास है उसमें जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस है, सेकेंड है उसमें सिलिशियस है, और थर्ड है उसमें सिलिशियस और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ है। फोर्थ पॉइंट, स्पिक्यूल्स जो हैं ये मोनो एग्जॉन भी हो सकते हैं, टेट्रा एग्जॉन भी हो सकते हैं, लेकिन ट्राई एग्जॉन कभी नहीं होते। ट्राई एग्जॉन का जो स्केलेटन है आपको अभी पढ़ाया अपन ने कि ये एग्जैक्ट इन लैंड में पाया जाता है, तो जो डेमोस्पॉन्जी है उसमें कभी भी आपको ट्राई एग्जॉन स्पिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। स्पिक्यूल्स यदि होंगे तो केवल मोनो एग्जॉन हो सकते हैं या फिर टेट्रा एग्जॉन हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ल्यूकोनॉइड होता है। अब आप ये देखिए इसमें एस्कोनॉइड और साइकोनॉइड नहीं है, वो थोड़ा प्रिमिटिव टाइप होता है, और जो ल्यूकोनॉइड होता है वो वॉल टाइप होता है, तो डेमोस्पॉन्जी में ये ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आपको मैंने बताई है जब मैं कनाल सिस्टम करूँगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रकार का होता है। और इसमें जो क्वेनोसाइट सेल्स हैं वो इसके राउंडेड चेंबर्स होते हैं, स्मॉल राउंडेड चेंबर्स होते हैं इसके बॉडी में, जो पहली क्लास थी एग्जैक्ट इनलेडा में उसमें फिंगर लाइक चेंबर्स होते हैं और इसमें राउंडेड चेंबर्स होते हैं, तो ये क्वेनोसाइट्स केवल उन राउंडेड चेंबर्स में पाए जाते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, ये सारे मरीन होते हैं, केवल एक फैमिली जो स्पॉन्जी लिडी होती है वो फ्रेश वाटर होती है,
तो स्पॉन्जिलिटी के एनिमल्स को छोड़ के इस क्लास के जो सारे एनिमल्स हैं वो मरीन होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, आप विद डायग्राम देख सकते हैं, क्लायोना, कैलिना, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। इनमें आप नाम के साथ मैंने डायग्राम्स भी दिखाए हुए हैं तो वो आप देख सकते हैं। और दो और एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, फिलोस्पॉन्जिया एंड हिप्पोस्पॉन्जिया। इनके डायग्राम्स मैं नहीं गैदर कर पाई तो जो अब कभी आगे अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है इसके एग्जाम्पल्स। तो दिस फिनिशेस द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा एंड इट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू द प्रोटोजोन्स विच वॉज वेरी वास्ट, जो हमने पहले पढ़ा था। आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा उसमें, लेकिन अगर आप उसको बार बार रिपीट करेंगे तो वो कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रेपिटिशन से आपको परफेक्शन आएगा। इसमें तो ये तो बहुत है ईजी, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। सो दिस फिनिशेस पॉरीफेरा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वी विल डू द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो यू लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू।